नमस्ते प्यारे बच्चों, हिंदी प्रथम भाषा कुमार भारती के शीर्षक भाषा के प्रश्न भाग दो के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि भाषा के द्वारा ही मानव का सही ढंग से विकास होता है, वो अपने दुख सुख को व्यक्त करता है। वैसे तो हम बहुत सारी ध्वनियों से इस दुनिया में परिचित होते हैं, लेकिन सभी ध्वनियों से हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं और सभी ध्वनियों का हमें बोध और ज्ञान नहीं हो पाता है। प्यारे बच्चों, भाषा हमें विरासत के रूप में प्राप्त होती है। मानव को भाषा विरासत के रूप में प्राप्त होती है। मानव उसमें अपने सृजन शक्ति द्वारा एक नया रूप भी देता है। क्या जैसे माता पिता द्वारा भाषा सिखाई जाती है, क्या आगे भी आप ऐसे ही बोलते हो? नहीं, उसमें और थोड़ा सा आप एक नया रूप देते हैं। आप अपने रचनात्मक क्षमता द्वारा उसमें और सुधार करते हैं। जैसे आपके माता पिता हैं, हिंदी भाषी हैं, आप पालन पोषण हुआ हिंदी बोलते हैं, आप पढ़ाई लिखाई करते हुए आगे जब गए इंग्लिश मीडियम पढ़े, दसवीं के बाद इंग्लिश मीडियम हो जाए, मान लीजिए हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं, दसवीं के बाद इंग्लिश मीडियम हो जाता है, तो धीरे धीरे आप और भाषाएं भी सीख लेते हैं। मतलब आप अपने सृजन शक्ति द्वारा उसमें सुधार करते हैं। आइए देखते हैं भाग दो में क्या है। प्यारे बच्चों, भाषा का प्रश्न में परिच्छेद दो का अभी हम वाचन करेंगे और फिर उसका स्पष्टीकरण देखेंगे। मनुष्य की सर्जनात्मक अभिव्यक्ति में सबसे अधिक समर्थ और अक्षर भाषा ही होती है। वही मानव के आंतरिक तथा बाह्य जीवन के परिष्कार का आधार है। परिष्कार मतलब यहाँ सुधार है, क्योंकि बौद्धिक क्रिया तथा मनोरागों की अभिव्यक्ति तथा उनके परस्पर संबंधों को संग्रथित, यहाँ देखिए संग्रहित होगा, संग्रहित करने में भाषा एक स्निग्ध, स्निग्ध मतलब प्रेममय, किंतु अटूट सूत्र का कार्य करती है। अटूट सूत्र मतलब कभी न टूटने वाला। भाषा में स्वर, अर्थ, रूप, भाव तथा बोध का ऐसा समन्वय होता है, ऐसा मेलजोल होता है, जो मानवीय अभिव्यक्ति को व्यष्टि से समष्टि तक विस्तार देने में समर्थ है। प्यारे बच्चों, इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। मानव के सोचने, समझने और बात करने की शैली को सबसे अधिक समृद्ध भाषा ही बनाती है। मानव जिस भाषा में बोलता है उससे उसके आंतरिक और बाह्य गुणों का पता चलता है, जिसके आधार पर वह अपने अंदर सुधार करने का प्रयास करता है। बात करने के तरीके में, उठने बैठने के तरीके में, जिस तरीके में भी होता है, वो अपने अंदर जो भी सुधार होता है वो अपने अंदर सुधार करता है, अर्थात जीवन से संबंधित सभी क्षेत्रों में सुधार करता है वह। मानव अपने बौद्धिक क्षमता द्वारा मन के भावों की अभिव्यक्ति करता है। मानव अपने बौद्धिक क्षमता द्वारा और मन के प्रेम को व्यक्त करता है। किसके द्वारा? भाषा द्वारा। तथा उनके परस्पर संबंधों को क्या करता है? एकत्रित करने में भाषा एक प्रेममय किंतु कभी न टूटने वाले सूत्र का कार्य करती है। मानव जिस भाषा में बोलता है या समझता है उसी भाषा में उसके अंतर विचार उत्पन्न होते हैं। भाषा में स्वर, अर्थ, रूप, भाव तथा ज्ञान का ऐसा तालमेल रहता है जो मानव को व्यक्तिगत से सामूहिक तक, अर्थात अपने से ऊपर उठकर अपने समाज तक पहुंचने में वह मदद करता है। कौन? भाषा। मानव व्यक्तित्व के समान ही उसकी बाड़ी का निर्माण दोहरा होता है। जैसे मनुष्य का व्यक्तित्व बाह्य परिवेश के साथ उसके अंतर जगत के घात प्रतिघात, अनुकूलता प्रतिकूलता, समन्वय आदि विविध परिस्थितियों द्वारा निर्मित होता चलता है, उसी प्रकार उसकी भाषा असंख्य जटिल, सरल, अंतर बाह्य प्रभावों में गल ढल कर परिणति पाती है। परिणति यानी नतीजा, अंजाम मिलता है। कालांतर में हमारा समग्र अंतर जगत, हमारी संपूर्ण बौद्धिक तथा रागात्मक सत्ता शब्द संकेतों से इस प्रकार संग्रहित, यहाँ देखिए फिर संग्रहित हो जाती है कि एक शब्द संकेत अनेक अप्रस्तुत मनोराग जगा देने की शक्ति पा जाता है। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार मानव का आंतरिक व्यक्तित्व कुछ और होता है और बाह्य कुछ और होता है, उसी प्रकार मानव की वाणी का भी निर्माण दोहरा होता है। जैसे मनुष्य का व्यक्तित्व तो बाहरी वातावरण के साथ उसके अंतर जगत के घात प्रतिघात, अनुकूलता प्रतिकूलता, समन्वय आदि विविध परिस्थितियों द्वारा निर्माण होता रहता है, उसी प्रकार उसकी भाषा असंख्य
कठिन सरल अंतर वाय प्रभावों में ढलकर अपने अंजाम तक पहुंचाती है। आगे चलकर हमारे सभी विचार संपूर्ण बौद्धिक क्षमता प्रेम इन सभी संकेतों के द्वारा इस प्रकार एकत्रित हो जाते हैं कि एक ही शब्दों का संकेत अनेक विचारों को जन्म देता है। भाषा सीखना तथा भाषा जीना एक दूसरे से भिन्न है, तो वो आश्चर्य की बात नहीं। प्रत्येक भाषा अपने ज्ञान और भाव की समृद्धि के कारण ग्रहण करने योग्य है, परंतु समग्र बौद्धिक तथा रागात्मक सत्ता के साथ जीना अपनी सांस्कृतिक भाषा के संदर्भ में ही सत्य है। कारण स्पष्ट है, ध्वनि का ज्ञान आत्मानुभव से तथा अर्थ का बुद्धि से प्राप्त होता है। शैशव में शब्द हमारे लिए ध्वनि संकेत मात्र होते हैं। यदि हम ध्वनि पहचानने से पहले उसके अर्थ से परिचित हो जाएं, तो हम संभवतः बोलना न सीख सकें। प्यारे बच्चों, भाषा सीखना और जीवन में उतारना दोनों एक दूसरे से अलग हैं। उदाहरण के लिए, जैसे आप दसवीं कक्षा के बाद, आप मान लीजिए हिंदी मीडियम मराठी मीडियम है, दसवीं कक्षा के बाद सारे विषयों को अंग्रेजी में पढ़ते हो, तो क्या अंग्रेजी में सोचते भी हो, सपना भी देखते हो? नहीं, आप सीखते अंग्रेजी में हो, लेकिन सोचते विचारते हो आप अपनी मातृभाषा में। यहाँ पर लेखिका के कहने का तात्पर्य यह है कि ध्वनि का ज्ञान आत्मा में अनुभव करते हैं हम। जो भी हम ध्वनि का हमें ज्ञान होता है ना, उसको आत्मा में अनुभव करते हैं, लेकिन जब उसको सीखना और समझना होता है तो बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। प्रारंभ में शब्द हमारे लिए ध्वनि का संकेत मात्र होते हैं। बचपन में बालक पहले बोलना सीखता है। यदि बालक ध्वनि पहचानने से पहले उसके अर्थ से परिचित हो जाए, तो संभवतः बोलना नहीं सीख पाएगा। अतः यह कहना सत्य है कि वाणी आत्मानुभूति की मौलिक अभिव्यक्ति है, जो समष्टि भाव से अपने विस्तार के लिए भाषा का रूप धारण करती है। इसीलिए पाणिनि ने कहा है, आत्मा बुद्ध्या समेत्य अर्थान मनोयुक्त विवक्षया, अर्थात बुद्धि के द्वारा सब अर्थों का आकलन करके मन में बोलने की इच्छा उत्पन्न करती है। कौन? भाषा। आइए बच्चों, इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। अतः यह कहना सत्य है कि वाणी आत्मा के अनुभव की मूल अभिव्यक्ति है, जो सामूहिक भाव से अपने विस्तार के लिए भाषा का रूप धारण करती है। इसीलिए पाणिनि ने कहा है कि बुद्धि के द्वारा सभी अर्थों को समझ करके भाषा मन में बोलने की इच्छा उत्पन्न करती है। मतलब पहले हम बुद्धि के द्वारा समझते हैं, फिर भाषा के द्वारा ही हम मन के विचार व्यक्त करते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप लॉकडाउन में आपने क्या किया, अपने विचार व्यक्त करिए, तो आप जिस भाषा में होंगे उसी भाषा में अपने विचार व्यक्त करेंगे। जो भाषा आपकी नहीं है उस भाषा में करिए, तो आप उस भाषा को में बोलने की क्षमता आपके अंदर नहीं होगी। विचार तो अंदर बहुत होंगे, लेकिन उन विचारों को आप व्यक्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए मानव जीवन के लिए भाषा बहुत ही जरूरी है। आइए बच्चों, भाग दो से संबंधित शब्दार्थ देखते हैं। आया है आंतरिक, देखो वाह ही आया था, ये विलंब हो जाएगा। आंतरिक मतलब भीतरी, आंतरिक मतलब भीतरी। आया है परिष्कार, परिष्कार मतलब सुधार, परिष्कार मतलब सुधार। आया है अगला है मनोभाव, मन के भाव। अगला है अटूट, अटूट न टूटने वाला। अगला है आपका स्निग्ध, स्निग्ध मतलब स्नेह युक्त या प्रेम युक्त, दोनों होगा, स्नेह युक्त होगा या प्रेम युक्त। अगला है आपका समन्वय, 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 समन्वय का क्या होगा? संयोग या मिलाव, संयोग। फिर अगला है बेस्टी, बेस्टी
व्यष्टि मतलब व्यक्तिगत, समष्टि समष्टि मतलब सामूहिक, सामूहिक। फिर अप्रस्तुत, अप्रस्तुत अनुपस्थित, अनुपस्थित अनुपस्थित। अगला है समृद्ध, समृद्ध मतलब संपन्न, संपन्न। अगला है परिणति, परिणति मतलब अंजाम, अंजाम। अगला है शैशव, शैशव मतलब बचपन, बचपन की अवस्था होती है शैशव अवस्था, बचपन। अगला है जटिल, जटिल मतलब कठिन, जटिल सरल विलोम आएगा तो जटिल सरल। आइए बच्चों भाषा का प्रश्न भाग दो का परिच्छेद से संबंधित आकलन कृति देखते हैं। आप इंक दी संजाल पूर्ण कीजिए। भाषा में समन्वित घटक, भाषा में समन्वित घटक कौन कौन से घटक हैं? तो पहला है आपका स्वर, लिख के आकृति बना दोगे। दूसरा आपका अर्थ, दूसरा है आपका अर्थ, आकृति बना दोगे। और तीसरा है आपका रूप, और चौथा है आपका भाव और बोध, भाव बोध। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, हमेशा लिखने के बाद आकृति बनाना है, क्योंकि पता चले कितने लाइन में आएगी उसके बाद आकृति बना दोगे। स्वर, अर्थ, भाव, बोध, रूप। दूसरा है आत्मानुभव तथा बुद्धि से इनका ज्ञान प्राप्त होता है। किसका ज्ञान प्राप्त होता है? तो आत्मानुभव से, आत्मानुभव से ध्वनि का आत्मानुभव से ध्वनि का बुद्धि से अर्थ का अर्थ का अर्थ का। अगला है भाषा ग्रहण करने योग्य है, किसके द्वारा? ज्ञान की समृद्धि के कारण और भाव की समृद्धि के कारण। किसके द्वारा? ज्ञान की, ज्ञान की समृद्धि के कारण, ज्ञान की समृद्धि के कारण, ज्ञान की समृद्धि के कारण और भाव की समृद्धि के कारण, भाव की समृद्धि, भाव की समृद्धि के कारण, भाव की समृद्धि के कारण। अगला है अपनी सांस्कृतिक भाषा के संदर्भ में इनके साथ जीना ही सत्य है। किसके साथ? समग्र बौद्धिक सत्ता के साथ, समग्र बौद्धिक, समग्र बौद्धिक सत्ता के साथ, समग्र बौद्धिक सत्ता के साथ। इसको लिखने के बाद आकृति बना देंगे। समग्र बौद्धिक सत्ता के साथ, समस्त रागात्मक सत्ता के साथ, समस्त, समस्त
रागात्मक सत्ता के साथ, सत्ता के साथ। अब इसको आकृति बना देंगे, आकृति बना देंगे। आइए बच्चों, भाग दो से संबंधित व्याकरण देखते हैं। आपका इस स्वाध्याय का व्याकरण है। प्रश्न एक, निम्नलिखित वाक्यों में आए अव्ययों को रेखांकित कीजिए और कोष्टक में उनके भेद लिखिए। अब देखिए, लड़का मेरे पास बैठा और धीरे धीरे बातें करने लगा। अब देखिए, लड़का मेरे पास, यहां पे देखिए आया पास, दूर और पास, इसमें पहला एक आया है पास। पास कौन सा अव्यय है? क्रिया विशेषण अव्यय, जगह कम है यहाँ पे। दूसरा कौन सा अव्यय देखिए, और यहाँ पे है पास अव्यय है, और धीरे धीरे। अब पास आपका क्रिया विशेषण अव्यय है, और देखिए संयोजक चिन्ह है, दो संयोजक शब्द है, संयोजक शब्द है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम किया है, और तो ये हो गया आपका समुच्चय बोधक। और फिर तीसरा आपका हो गया धीरे धीरे, वो आपका हो गया क्रिया विशेषण अव्यय, धीरे धीरे क्रिया विशेषण अव्यय। अगला है यार, मुझे देखिए यहाँ जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख पा रहे, लेकिन धीरे धीरे आपका क्रिया विशेषण अव्यय। यहां भी देखिए पास भी क्रिया विशेषण अव्यय है और धीरे धीरे क्रिया विशेषण अव्यय, खाली सिर्फ क्रिया विशेषण अव्यय ही लिखना है, आपको परिमाणवाचक रीतिवाचक अव्यय नहीं लिखना है। अगला है, अरे पुत्र बूढ़ा इतना ही बोल पाया कि उर्मी का मोबाइल बज उठा। अब देखिए, अरे पुत्र विस्मय का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे अरे और पुत्र लिख के क्या लिख देंगे, विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि, विस्मयादि बोधक अव्यय, अव्यय। फिर यहां पे देखेंगे पहला इसका हो गया, फिर इसमें आया अरे पुत्र हो गया इतना ही, यहाँ पे कितना ही परिमाणवाचक आ गया क्रिया विशेषण अव्यय, इतना ही। फिर आपका हो गया क्रिया विशेषण अव्यय, तीसरा आपका कि, दो वाक्यों को जोड़ रहा है इसलिए कौन सा हो गया आपका समुच्चय बोध अव्यय, ठीक है। अगला आप पूरा लिखोगे समुच्चय, यहां भी क्रिया विशेषण पूरा लिखोगे, यहां जगह कम है इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूं। अगला है, थोड़ी सी छानबीन से पता चला कि कोलकाता और बनारस में बहुत दूरी नहीं है। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी परिमाण बता रहा है यहाँ पे, फिर दो वाक्यों को जोड़ा कि, फिर यहाँ पे दो शब्दों को जोड़ रहा है, और यहाँ पे कि समुच्चय बोधक और समुच्चय बोधक और बहुत क्रिया विशेषण अव्यय। देखिए यहाँ पे पहला थोड़ी सी, पहला थोड़ी सी कौन सा क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा कि और दोनों क्या है आपका समुच्चय बोधक अव्यय, सॉरी समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। और देखिए फिर यहाँ पे आया बहुत, बहुत ये भी आपका क्या है क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण, विशेषण अव्यय, ठीक है। अगला, ओ नहीं मल्लिका कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। यहाँ पे देखिए ओ विस्मय का चिन्ह है, इसको वो ले लेंगे, फिर बैठे बैठे यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय, यहाँ पर फिर लिखोगे ओ विस्मय आदि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, बोधक
अव्यय, दूसरा आपका है यहाँ पे बैठे बैठे, पहला, दूसरा बैठे बैठे, बैठे बैठे क्रिया विशेषण अव्यय, बैठे बैठे क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय, अव्यय। इस प्रकार हम लोग देखिए अव्यय पहचान के लिखिए, ये स्वाध्याय का है। प्यारे बच्चों, भाषा का प्रश्न परिच्छेद दो का हमने वाचन किया, उससे संबंधित स्पष्टीकरण देखे, कठिन शब्दों को भी देखे और उस परिच्छेद से संबंधित आकलन कृति भी किए। शेष अगले वीडियो में, धन्यवाद।